और इस बीच सुनते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सीईटी को लेकर क्या कह रहे हैं। किया गया उससे पूरे हरियाणा के अखबार रंगे पड़े हैं, पर आयोग के चेयरमैन, सदस्य, मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर, डिप्टी मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला टेलीफोन बंद करके चैन की नींद सोए पड़े हैं। खबरों के अनुसार और जो बातें सामने आई हैं, इस पेपर लीक गिरोह ने स्वीकारा कि 15 लाख से 20 लाख रुपए में 6 अगस्त 2023 को ग्रुप 57 का पेपर इन्होंने बेचा था और अभ्यर्थियों से 15 से 20 लाख रुपए तथा कथित तरीके से वसूले गए थे। वो सब पुलिस की गिरफ्तारी में भी हैं, पर फिर भी एक बार फिर इस पर भी लीपापोती कर दी जाएगी जैसा पिछले 42 पेपर लीक कांड में हुआ। क्या इसका जवाब खट्टर साहब देंगे? दूसरा पहलू, ग्रुप 57 का पेपर हुआ दिन रविवार 6 अगस्त 2023 को, ग्रुप 56 का पेपर हुआ अगले दिन यानी दिन सोमवार 7 अगस्त 2023 को। ग्रुप 56 के पेपर में पिछले दिन हुए ग्रुप 57 के पेपर यानी 6 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ, 100 में से 41 सवाल 7 अगस्त 2023 को रिपीट हो गए। अब सवाल यह है, कट कॉपी पेस्ट करके पेपर लीक करने का भाजपा जजपा का यह अजमाया हुआ तरीका है। मैं इल्जाम लगाता हूं कि खट्टर सरकार अपने चहेतों को बस इतना बता देती है, भैया एक दिन पहले जो ग्रुप 57 का पेपर हुआ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसकी एवज में 20, 25, 30, 35 लाख रुपए की रिश्वत मिल जाती है। तो अगर 41 सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल गया 100 में से, तो बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका क्या जवाब है कि ग्रुप एक दिन पहले के पेपर में अगले दिन 100 सवाल कुल हैं, 41 सवाल रिपीट हो जाते हैं। ये पेपर लीक माफिया का और पेपर लीक गिरोह का पेपर लीक करने का सबसे नायाब तरीका है। तीसरा पहलू, ग्रुप 56 का अगर आप पेपर देखें जो 7 अगस्त को हुआ, तो उसमें तो संपूर्ण घालमेल है और मैं उस पेपर की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। उसमें जो कमाल की बात है वो ये है, उदाहरण के तौर पर उसमें सवाल नंबर 87 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सवाल नंबर 87 के अंदर लिख दिया और मैं यहां आपको पढ़कर बताऊंगा के झज्जर में जो बाग है वो जहानारा बाग है। अब जहानारा बाग का नाम बदला बदल के क्या रखा, सवाल इतना ही है, पर सच बात यह है कि झज्जर में जहानारा नाम का कोई बाग ही नहीं है। वहां जो बाग है उसका नाम है जहानारा। तो अगर सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे देंगे। इसी प्रकार से इसी पेपर में एक और सवाल दिया और उस सवाल में लिख दिया जो एक बड़ी गंभीर बात है, यह है सवाल नंबर 87। एक सायकालीन पेपर अखबार है जो हिसार से हरियाणा से छपता है, उसका नाम लिख दिया नभ चोर। मैं फिर दोहराता हूं, अखबार का नाम लिख दिया नभ चोर, अखबार का नाम है नभ चोर। तो जब सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे देंगे। तो ये इस पेपर की वास्तविकता है। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है खट्टर सरकार को अब हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, और मैंने इसके 11 उदाहरण आपके सामने निकाले हैं। इनको एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता, जब HSSC कोई एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता उसको लिखते हैं अग्रीकल्चर। तो बच्चा जवाब सही कैसे देगा। इनको आवंटित लिखना नहीं आता, लिखते हैं आवंटित, तो बच्चा सवाल का जवाब कैसे देगा। इन्हें साइकिल लिखना नहीं आता, साइकिल की स्पेलिंग भी गलत है। इन्हें इंटरनेशनल लिखना नहीं आता,
ये उसको भी गलत तरीके से लिखते हैं, और इस प्रकार की अनेकों त्रुटियां हैं। मैं पेपर आपको भेज रहा हूं, अगर इतनी गलतियां हैं खट्टर साहब, आपको, दुष्यंत चौटाला को, चेयरमैन HSSC को, जब हिंदी आती ही नहीं, तो बच्चे ये पेपर पास कैसे करेंगे? बात बड़ी सीधी है, एक के बाद एक भर्ती में जो लूट हो रही है उससे ये समझ लेना चाहिए कि HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन और HSSC हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन, इसमें राजनीतिक नेक्सस है जो उच्चतम पदों पर बैठे लोगों का है, और ये HPSC और HSSC को केवल अपने डंडे से हांक रहे हैं। इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। HPSC ने हाल में हुए HCS के पेपर में 38 सवाल रिपीट कर दिए, अब HSSC ने ग्रुप 57 के पेपर के 41 सवाल ग्रुप 56 के पेपर में अगले दिन रिपीट कर दिए। तो अच्छी हेरा फेरी का बड़ा सिंपल तरीका है, भैया पिछला पेपर पढ़ लो, 25 लाख रुपए रिश्वत दे दो। तो हरियाणा की जनता को हम लगातार सावधान करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम अब हरियाणा में आ गया है, और हरियाणा में इसे हेरा फेरी का हर व्यापम कहते हैं, और इस हर व्यापम के शिकार हरियाणा के वो 3,59,000 नौजवान हैं जिन्होंने CET पास किया था। हमारा ये कहना है, आज भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ है, और हमारे पूर्वजों ने हमें 3 हथियार दिए थे, प्रेयर, प्रोटेस्ट, पेटिशन। अब इससे आगे जाने का समय आ गया है, क्योंकि खट्टर सरकार को झोला उठवाकर चलता करने के सिवाय कोई चारा नहीं। इसलिए प्रदेश के युवाओं की ओर से हमारी 4 मांग है, अपनी शुचिता खो चुकी इस भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करके सभी CET पास 3,59,000 बच्चों को मौका देकर पुनर्परीक्षा करवाई जाए, ग्रुप 57 और ग्रुप 56 की परीक्षा बर्खास्त हो। दूसरा, HSSC के चेयरमैन और सदस्यों को बर्खास्त किया जाए, और इन सब पर FIR दर्ज कर इन्हें हथकड़ी लगाई जाए। तीसरा, CET के परिणाम को 4 अगस्त 2023 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एकल जज ने निरस्त कर दिया। जब तक CET का फाइनल रिजल्ट ना निकाला जाए और सभी 3,59,000 बच्चों को, या और जो बच्चे पास पाए जाएं, उन सबको मौका ना दिया जाए, तब तक नौकरी भर्ती की परीक्षा न की जाए। चौथा, प्रदेश में चल रही नौकरियां बेचने की संगठित मंडी व इसमें सलिप्त सफेद पोशों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच पाएगा। कोई भी प्रश्न आप पूछ। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने CET परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल गलत हैं अगर तो बच्चे जवाब कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि ये जो इम्तिहान हुए हैं, 2 दिन तक ग्रुप 57 और 56 के, इनको बर्खास्त किया जाए। बड़ा अपडेट है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का व्यापम अब हरियाणा में आ चुका है। ग्रुप 56 ग्रुप 57 की परीक्षा बर्खास्त हो, तमाम बातें सुरजेवाला ने कही। 3,59,000 बच्चों को मौका दिया जाए दोबारा से इम्तिहान में बैठने का। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, CET को लेकर ये बड़ी बातें कही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक नेक्सस है इस पूरे मामले में, ये कमीशन को डंडे से हांक रही है सरकार। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, CET एग्जाम को लेकर ये तमाम बड़ी बातें कही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने क्वेश्चन पेपर उठाकर कई गलतियां भी बताई हैं और कहा कि इस तरह की अनेक त्रुटियां हैं इन क्वेश्चन पेपर्स में। पिछला पेपर पढ़ लो, 25 लाख की रिश्वत दे दो, ये तमाम इल्जाम लगाए हैं सरकार पर रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का ये नया तरीका इजाद कर लिया है, नया तरीका ढूंढ लिया है, कॉपी पेस्ट करके पिछले पेपर के सवाल
अगले पेपर में रिपीट कर दिए जाते हैं और अभ्यर्थियों को जिनसे रिश्वत ली जा रही उन्हें इशारा दिया जाता है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करें। जितेंद्र, जैसे की संभावना थी, कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई है सीईटी को लेकर सरकार पर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये लोग कमीशन को डंडे से हांक रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मध्य प्रदेश का व्यापम हरियाणा में आ चुका है। उन्होंने इन इम्तिहान को बर्खास्त करने की मांग की है जो 6 और 7 अगस्त को हुए हैं, ग्रुप 57 और ग्रुप 56 के। आपके पास ज्यादा जानकारी क्या है इस हवाले से जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से एक बार दोबारा से सवाल उठाए गए हैं और ये मांग भी की गई है कि ग्रुप 56-57 की जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को बर्खास्त किया जाए। उसका मुख्य कारण है, प्रश्न पत्र में 40 से अधिक जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल सिमिलर प्रश्न जो है वो आना, और केवल मात्र अगले ही दिन यानी एक दिन के अंतराल पर ही परीक्षा होने पर इतनी बड़ी तादाद में प्रश्न एक जो है इस तरीके से आना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के सियासत होना लाजमी है। और वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को अभी ये मानना है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों से भी हमने जब ये परीक्षा हुई दूसरे दिन की, उस दिन हमने जो है उनसे भी प्रतिक्रिया ली, तो उनका भी यही कहना था कि उनको वे अपने आप को कहीं ना कहीं इस पूरी परीक्षा को लेकर के ये नहीं मान रहे कि न्याय संगत तरीके से परीक्षा जो है वो हुई है, क्योंकि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की जो परीक्षा हुई उसमें 27,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी थे मुमताज, जिन्होंने दोनों ही दिन की परीक्षा दी है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 69,000 लोगों की तरफ से ये परीक्षा दी गई थी, जिसमें 27,000 पहले दिन की परीक्षा में भी बैठे थे और 27,000 अगले दिन की परीक्षा के अंदर भी बैठे थे, जिससे ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में मेरिट वाले जो अभ्यर्थी है या फिर मेरिट की जो लिस्ट है उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान इस वक्त विपक्ष लगा रहा है, और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो है परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि और इसे एक व्यापक घोटाले से वो कहीं ना कहीं तुलना करते हुए नजर आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सियासत पूरे मसले पर थम नहीं रही है, अभ्यर्थियों की नजरें लगातार इस बात को लेकर के जो मीडिया है उस पर बनी हुई है, HSSC है इस पर बनी हुई है और सरकार पर बनी हुई है कि आखिर सरकार इस पर क्या कहती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी हमने कल पूछा था इस मसले पर कि उनका क्या कहना है, उनकी तरफ से भी ये बताया गया कि वे इस मसले पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन अभी तक उस बातचीत का क्या ब्यौरा रहा है, क्या निष्कर्ष निकला है, बातचीत हुई है या नहीं, वो तमाम चीजें भी अभी तक सामने नहीं आई है। देखते हैं मामला कितनी दूर तक जाता है। जितेंद्र, आखिर इस मामले में आगे क्या क्या होता है, और अब जिस तरह से सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है, देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।